अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे मैं आज आपको बताऊँगी बैक्टीरिया के बारे में कि बैक्टीरियाज क्या होते हैं। बैक्टीरियाज बेसिकली दूसरा नाम है जर्म्स का। यहाँ पे जो है हमारे पास बैक्टीरियाज जो हैं वो हमारे इर्द गिर्द जो हैं वो बेतहाशा पाए जाते हैं, और हमारी लाइफ में जो है इनका बहुत इंटरफेरेंस है। इस तरीके से हम देखेंगे कि बैक्टीरियाज जो हैं वो बैड भी होते हैं, यानी कि बुरे बैक्टीरियाज जो हैं वो पाए जाते हैं, जिनमें से सबसे पहले जो है वो ट्यूबरक्लोसिस है बैक्टीरिया, और उसके बाद जो है वो लाइम डिजीज़ है। इन बैक्टीरियाज़ की वजह से जो है इंसान में जो है वो बीमारी पाई जाती है, जिसको आप ट्यूबरक्लोसिस भी कह सकते हैं और लाइम डिजीज़ भी। इस बैक्टीरिया की वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो सेवरी कंडीशन हो जाती है, और इसमें जो है एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। और ये सारे ये जो तीनों हमारे पास जो है वो बैक्टीरियाज हैं, ये एंटी बैक्टीरियल भी जो है वो कहलाते हैं। ये तीनों बैक्टीरियल्स जो हैं वो एंटी बैक्टीरियल होते हैं, और ये जो है ह्यूमन बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। इसके अलावा हम बैक्टीरिया की दूसरी एग्जाम देखते हैं, जिसके अंदर गुड बैक्टीरिया आते हैं। लाइक आपने देखा होगा जो हमारे पास योगर्ट है वो भी जो है वो इट्स अ काइंड ऑफ बैक्टीरिया है योगर्ट, लेकिन ये कि वो बहुत हेल्पफुल होता है हमारी सेहत के लिए। यहाँ पे हम देखते हैं कि जिस तरह से कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो बहुत अगेंस्ट में होते हैं, यानी कि वो एज अ जर्म्स जो है वो यूज़ हो रहे होते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो एज अ फूड, एज अ विटामिन, एज अ प्रोटीन जो है वो यूज़ होते हैं। लाइक योगर्ट, योगर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसके अलावा गट में जो बैक्टीरियाज होते हैं वो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो इससे आप ये नहीं कह सकते कि बैक्टीरियाज जो हैं वो मोस्टली जर्म्स होते हैं, बल्कि इससे जो है हमारी लाइफ भी जो है काफ़ी कंट्रोल में रहती है, और इन बैक्टीरियाज की वजह से ही हम सर्वाइव भी कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया गुड बैक्टीरिया में योगर्ट है, और गट में जो है वो डाइजेस्ट करने के लिए काम आता है, जबकि बैड बैक्टीरियाज में जो ट्यूबरक्लोसिस है इसकी वजह से जो है वो टीथ में जो है हमारी प्लक हो जाता है, यानी कि आप इस तरह से कह लें कि, और पिंपल्स फेस पे भी जो है वो यानी कि जम्स की वजह से पिंपल्स आ जाते हैं, वो भी इट्स अ काइंड ऑफ बैक्टीरिया है। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि बैक्टीरियाज बेसिकली जो हैं वो सिम्बियोसिस होते हैं, यानी कि वो आप ही की बॉडी से जो है फूड हासिल कर रहे होते हैं अपना, और हमें भी, यानी कि वो एक तरह से प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, और दूसरी तरफ जो है वो खुद को यानी कि जो है अपनी लाइफ कंटिन्यू करने के लिए बचा रहे होते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक ह्यूमन सेल में 20 बैक्टीरियाज जो हैं वो पाए जाते हैं। वन ह्यूमन सेल में जो है वो 20 बैक्टीरियाज होते हैं, जो कि समटाइम्स आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे होते हैं आपकी बॉडी को, बॉडी मास को, और समटाइम्स से जो है वो आपके यानी कि डैमेज करने के काम आते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत।